हेलो गाइस, मैंने फाइनली Z5 में डिमोंट कॉलोनी 2 देख लिया। जैसे कि देखा ही जा रहा है कि तमिल या साउथ मूवी का कंटेंट बहुत मजेदार होता है, बहुत अच्छा होता है। बाकी एक्टर्स वगैरह अगर थोड़ा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी कर रहा है, लेकिन उसका कंटेंट इतना अच्छा रहता है कि मतलब हम लोग एंड तक मूवी को एंजॉय कर ही लेते हैं। तो वही सोचकर मैंने तमिल या साउथ मूवी का सोचकर ही मैंने डिमोंट कॉलोनी 2 देखा। और ये जो हॉरर मूवी है, ये मुझे कैसी लगी, आपको देखनी चाहिए या नहीं, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला था। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो डिमोंट कॉलोनी आपको Z5 में देखने को मिलेगा। ये लगभग 2 घंटा 15 मिनट का मूवी है। तो एक ही चीज दिक्कत का बात क्या है कि ये जो डिमोंट कॉलोनी 2 है, ये हिंदी में डब नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता क्यों, मतलब जियो सिनेमा में कितना सारा साउथ मूवीज आ रहा है, सब हिंदी डब में आता है, लेकिन Z5 ने थोड़ा सा भी खर्चा किया नहीं है तो इसे साउथ में ही रिलीज कर दिया। तो ठीक है, मैंने सब टाइटल्स ऑन करके देखा ये मूवी और बताऊंगा आपको कैसा लगा। 4 लोग रहते, मतलब 4 दोस्त रहते हैं, वो लोग एक हॉन्टेड प्लेस में जाते हैं, और जब वो लोग फिर घर लौटते हैं वहां से, तब वो 4 नहीं वो 5 लौटते हैं। मतलब कोई एक आत्मा या भूत उन लोग के साथ ही घर आ जाता है, और उसके बाद जो जो हादसा होना चालू होगा, जो जो हॉन्टेड सीन्स आपको देखने को मिलेगा, जो जो उन लोग के साथ बुरा होना चालू होगा, वो चीज जानने के लिए आपको डिमोंट कॉलोनी 2 Z5 में देखनी पड़ेगी। मूवी कैसी लगी मुझे अगर मैं बोलूं तो, मूवी आपको मीडियम लगेगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी नहीं है या बहुत बुरा भी नहीं है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस मीडियम है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जो हॉरर एलिमेंट्स है, जो हॉरर सीन्स आपको दिखाया जाएगा, वो भी आपको मीडियम लगेगा, और सस्पेंस एक बनेगा, एक ट्विस्ट एंड टर्न्स बीच बीच में आएगा, वो आपको मीडियम लगेगा, जिसे आप बस वन टाइम वॉच करके खत्म कर सकते हो। डिमोंट कॉलोनी 1 जब रिलीज हुआ था वो लेकिन हिंदी डब्ड में आया था, लेकिन डिमोंट कॉलोनी 2 को हिंदी में डब्ड ही नहीं किया गया। ठीक है, मैं बोलूंगा एक बार ये मूवी आप जरूर से देखिए, आप सब टाइटल में देख सकते हैं, वन टाइम वॉच करिएगा, आपको मूवी बहुत अच्छा नहीं लगेगा बहुत बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं। बस एक चीज मैं बोलूंगा, जो हॉरर एलिमेंट्स दिखाया गया है, जो हॉरिफाइंग सीन्स आपको दिखाया जाएगा ना, वो कुछ बहुत ज्यादा डरावना कुछ आपको नहीं दिखाया जाएगा, और बीच बीच में आपको लग सकता है कि स्टोरी बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, बहुत ज्यादा मतलब बोर आपको कर सकता है। बीच बीच में पार्ट आपको होगा कि आप थोड़ा लेंदी लगेगा, बोर होना फील करिएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को देखूंगा तो ये इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ऐसा नहीं क्रिंज टाइप का पूरा मूवी देखने को मिलेगा, एकदम बोर हो जाइएगा, वैसा कुछ नहीं है, आपको मूवी अच्छा लगेगा। आप वन टाइम वॉच करिए Z5 में जाकर सबटाइटल्स ऑन करके, और जो मेरा फ्रेंड्स लोग साउथ से देख रहे हैं वो लोग तो अपना लैंग्वेज में देख सकते हैं। बाकी डिमोंट कॉलोनी 2 को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो 5 में से 2.5 स्टार्स दूंगा, और आपको सजेस्ट करूंगा वन टाइम वॉच जरूर से Z5 में करिए। बस आज इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।